नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरूप और आप देख रहे हैं एभारट यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे मैं अभी ये जो वीडियो है ये एक बोटल ड्राइंग है और आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि एक इजी स्टिल लाइफ बना जाए। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल सा एक स्टिल लाइफ है और लुक भी रियलिस्टिक जैसा देंगे। तो आप अभी मैं जो पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 6B पेंसिल है और 6B पेंसिल लेके मैं एक बॉटल ड्राइंग कर रहा हूँ। यहाँ पे जो चीज़ मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो है 6B पेंसिल, 10B पेंसिल, मोनोजीरो इरेजर और एक टिशू पेपर। आपके पास अगर टिशू पेपर नहीं है तो आप कॉटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस चैनल पे आप अगर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन इसके बाद आपको मिल जाए। अभी 6B पेंसिल से आप सारे सेट को कीजिए। सिक्स बी पेंसिल को लेकर ये पूरा बोतल का जो बॉडी है इस पे दे रहा हूँ। तो इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और अभी टिश्यू पेपर लेके मैं इसको थोड़ा स्मूथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये स्मूथ हो रहा है और पहले ही कोई भी डार्क पेंसिल इस्तेमाल ना किया करे। और अभी मैं 6B पेंसिल के बाद टिशू पेपर इस्तेमाल किया था और इसके बाद मैं 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो आप स्टेप को ध्यान से फॉलो कीजिए। बहुत ही सिंपल सा ड्राइंग है। टेन बी पेंसिल को लेके भी एक साइड पे ऐसे करके कीजिए। और इस वीडियो का स्पीड अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप स्पीड चेंजर पे जाके इसका स्पीड घटा भी सकते हैं। तो इस साइड पे भी मैं ब्लैक कर दिया और दूसरे साइड पे भी। और ये जो हिस्सा है ये थोड़ा कार्व है इसलिए मैं इस पोर्शन को भी डार्क कर रहा हूँ और ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको थोड़ा डार्क कर दीजिए। और यहाँ पे एक पैटर्न कर दिया मैंने क्योंकि ये ग्लास है, ग्लास बोतल, तो इसलिए ये पैटर्न आ जाता है इस नीचे वाले हिस्से पे। अभी टिशू पेपर इस्तेमाल करके इस सेट को भी थोड़ा स्मूथ कर लीजिए। इसके बाद मैं और थोड़ा ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ इस सेट को। ये जो रबर मतलब इरेजर इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ ये नॉन डस्ट इरेजर है और आप कोई भी इरेजर इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन नॉन डस्ट इरेजर थोड़ा अच्छा है क्योंकि उस पर डस्ट थोड़ा कम होता है। और ये अभी मैं मोनोजीरो इरेजर इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो बेसिकली डिटेलिंग के लिए मोनोजीरो रबर को इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे तो मैं लिखा हूँ और इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। और ये जो अभी मैं कर रहा हूँ 6B पेंसिल लेकर ये वाटर ड्रॉप है, ये एक मैकेनिकल पेंसिल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इसको इस्तेमाल कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि
जरूरी नहीं है कि आप इतना डिटेल्ड करें। आप अगर बिगिनर हैं तो अप टू मतलब इतना तक ही आप कीजिए, और आप अगर थोड़ा सीनियर हैं तो थोड़ा और भी आगे जाइए, मैं जैसे कि कर रहा हूँ। ये एक मैकेनिकल पेंसिल है, लोकली इसको पेन पेंसिल भी कहते हैं, तो आप किसी भी शॉप से भी ये इसको परचेस कर सकते हैं या फिर अमेजोन पे जाके भी परचेस कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मोनोजीरो इरेजर से इसको इरेज करने के बाद आप देख सकते हैं, मैं जस्ट 10B पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये वाटर ड्रॉप का फील दे रहा है। यहाँ पे भी एक ड्रॉप कर दिया। तो छोटा छोटा कुछ ड्रॉप मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे भी अभी ड्रॉप का पैटर्न आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। एक सर्कल जैसा किया और उसके दोनों साइड पे मैं ऐसे करके कर रहा था, तो वो टीनी टीनी जो वाटर ड्रॉप मैं कर रहा था उसका शेडिंग इस तरह था। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या मैं वहाँ पे कर रहा था। ये भी मैं मैकेनिकल पेंसिल से ही आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं वो ड्रॉप ही ये है। और मैं अभी इसका एक शेडो बना दूंगा, और नीचे वाला जो पोर्शन है मैं सोच रहा हूँ कि ये ग्लास का है और मिरर जैसे इफेक्ट दे रहा है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं ऐसा शेप कर रहा हूँ। टोटली रिफ्लेक्ट हो रहा है ये पोर्शन, तो दोनों साइड पे डार्क होगा जैसे कि बोतल पे है उस जैसा ही। नीचे इसका जो रिफ्लेक्शन है इस पे भी है, और टिश्यू पेपर इस पे भी मैं इस्तेमाल किया। और अभी नॉन डस्ट रबर से थोड़ा इसको करेक्शन कर दिया 10B पेंसिल से, और भी आप डार्क इसको कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से ये जो ड्राइंग है ये हो गया, और आई थिंक ये जो मैं वीडियो बनाया ये किड्स के लिए ही परफेक्ट है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और रिसेंटली अपलोडेड वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हैं रिसेंट वीडियो को देखने के लिए।